10,000 रुपए के बैंक चेक से छेड़छाड़ कर उसे 10 लाख रुपए का चेक बनाने के दोष में हमीरपुर कोर्ट ने दोषी को 1 साल के कारावास और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में कोर्ट में कुल 12 गवाह पेश किए गए। अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अवि मंडियाल की अदालत ने हमीरपुर के वार्ड नंबर 5 ब्रिज नगर निवासी अजय कुमार पुत्र सुरेश कुमार को दोषी करार देते हुए ये सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़ित व्यक्ति को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने के आदेश भी दिए हैं। जिला उप न्यायवादी अनुज शर्मा ने बताया कि भोटा निवासी अश्विनी कुमार ने 17 फरवरी 2012 को हमीरपुर थाना में शिकायत की थी। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2005-2006 में इसने नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 5 ब्रिज नगर निवासी अजय कुमार को 10,000 रुपए के 4 चेक दिए थे। वर्ष 2011 में अजय कुमार ने एक चेक पर छेड़छाड़ कर उसे 10 लाख रुपए लिख दिए और चेक को बैंक में लगा दिया, जिसके चलते बैंक में पर्याप्त बैलेंस न होने के चलते चेक बाउंस हो गया। इस पर अजय कुमार ने न्यायालय में चेक बाउंस होने का केस दर्ज करवा दिया। बता दें कि सारे मामले पर अश्विनी कुमार को जब कोर्ट से नोटिस मिला तो पता चला कि 10,000 रुपए के चेक को 10 लाख रुपए बना दिया गया है। इस पर अश्विनी कुमार ने हमीरपुर थाना में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया। पुलिस ने अजय कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। इस मामले की तफ्तीश ASI घमंडा राम ने की, जबकि मामले की पैरवी जिला उप न्यायवादी अनुज शर्मा ने की। हमीरपुर कोर्ट में बैंक चेक से छेड़खानी का मामला साबित होने पर दोषी को अलग अलग धाराओं में 1-1 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने के अलावा पीड़ित पक्ष को 1 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की सजा सुनाई है। आज दिनांक 9/8/2018 को माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री अभय मंडियाल जी ने एक धोखाधड़ी के मामले में अजय कुमार पुत्र सुरेश कुमार, जो कि वार्ड नंबर 5 हमीरपुर का रहने वाला है, उसे धोखाधड़ी के मामले में जो है सजा सुनाई है। इस केस में जो है वर्ष 2012 में जो है ये केस पुलिस स्टेशन हमीरपुर में दर्ज हुआ था, जो कि अश्विनी कुमार जो कि भोटा का निवासी है उसकी शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया था, जिसमें कि अश्विनी कुमार ने ये आरोप लगाया था कि जो एक्यूज जो ये दोषी है इसने उसके चेक जो कि 10,000 रुपए का था उसका 10 लाख बना के जो है उसको अदालत में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत जो है उस चेक को जो है उसके खिलाफ कंप्लेंट दायर करने के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन जब उसने इसकी शिकायत पुलिस से की तो पुलिस ने उस चेक को अदालत से निकलवा कर उसे फिर FSL भेजा। FSL में उस चेक को जब बारीकी से उसकी जाँच की गई तो उसमें ये पाया गया कि जो है इसमें 10,000 का 10 लाख बनाया गया है, तथा जो दोषी है इसने उसमें जो है टेम्परिंग करके 10 लाख रुपीज लिख दिया था, और FSL की रिपोर्ट में इस बात की जो है बिल्कुल पुष्टि हो गई कि इसी ने जो है इसमें जो है छेड़छाड़ करके 10,000 का 10 लाख बनाया है। तो उस इन सबूतों को और इन चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए माननीय जो है हमारे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं, उन्होंने आरोपी को जो है दोषी को 420, 467, 68 और 471 की धाराओं के अंतर्गत 1-1 साल की सज़ा जो है सुनाई है, और इसके अलावा उसको 10,000 रुपए का जो है जुर्माना भी इसमें लगाया गया है, और जुर्माने के अलावा 1 लाख रुपया जो है बतौर कंपनसेशन जो है जो कंप्लेनेंट है उसको देने के भी आदेश जो है माननीय चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब ने किए हैं।